देखो नारद बातू नी आए हमें कारी चाहिए, हमें कारी चाहिए, हमें वेतन चाहिए। विचार तो उत्तम है किंतु वैकुंठ में तो कोई स्थान रिक्त ही नहीं है। परंतु नारद आप तो स्वयं बड़े संगीतकार हैं। बस आप पृथ्वी में जाइए और वहां जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए। वहां पर एक आश्रम में संगीत गुरु का पद रिक्त है। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु माते। किंतु नारद आपको ये पद स्वयं प्राप्त करना होगा। क्या आप में इतनी क्षमता है? क्षमता माते, मुझ में है प्रतिभा और ममता, जिससे मैं लाड़ प्यार से उन बच्चों को संगीत की विद्या दे सकूं। प्रभु बताइए ना इनको। है ना नारद? नी नी ना नी नी ना नी 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 चिंगू। हाँ प्रभु। हाँ बस करो, कितना नीचे जाओगे? और नीचे गए तो पाताल में पहुंच जाएंगे। चिंगू कहाँ जाना है हमें बताओ। प्रभु प्रभु ये देखिए आश्रम आ गया जहाँ पे आपको संगीत गुरु बनना है प्रभु। तो क्यों करे प्रतीक्षा, आओ चले दे दीक्षा। चलिए प्रभु। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। कौन है आप? मैं हम, ये है मेरा शिष्य सेन और ये है तान। और हम हैं तान सेन। ईश्वर ने मेरी सुन ली जो मेरे छात्रों के लिए एक संगीत गुरु यहाँ भेज दिया। कृपया हमारे आश्रम के विद्यार्थियों को संगीत का प्रशिक्षण देना स्वीकार करें। प्रभु अवश्य गुरुवार, अवश्य। परंतु मेरी एक शर्त है। मेरा ये कद में छोटा पर उम्र में बड़ा शिष्य आपके शिष्यों के साथ ही रहे। देखो अमरजीत, अब मुझे पानी पीने दो ना। ले लो लोटा, ले लो लोटा, ले लो। अमरजीत पानी पीने दो ना, मुझे प्यास लगी। यमतपुर के राजा त्रिलोकनाथ के इकलौते पुत्र अमरजीत का लोटा है, यानी कि मेरा। और तुम्हारा इतना साहस कि तुम इससे पानी पियो? लेकिन पानी तो पी रहा हूं ना। फिर मैं कहां से पानी पीऊं? पानी पीना है यहां से दो कोस दूर एक नदी है, वहां जाकर, समझे? चल निकल। दो कोस दूर नदी में जाके पानी पीऊं? संकट। क्या हुआ गुरु तान? कुछ नहीं, वो क्या है ना, आज सूर्यदेव को जल चढ़ाना भूल गया, अभी आता हूं। क्षमा करना सूर्यदेव, चिंगू से मिलने के लिए ना आपका नाम लेना पड़ा। वैसे एक बात कहूं, थोड़ा कम निकला करो ना, पृथ्वीवासी आप ऐसे ऐसे हो जाते हैं गर्मी के मौसम में। बस करो अमरजीत, बस करो। प्रभु चिंगू, अरे इससे नारायण की भक्ति कर रहा हूँ। प्रभु नहीं, रुको, मैं रुको। गुरुवार 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 नीचे उतरिए। गुरुवार गुरुवार गुरुवार, ये क्या हो रहा है आपके आश्रम में? एक तो अत्यधिक आयु से ज्यादा बड़े बच्चे को आपने बच्चों के बीच में रख रखा है,
बाकी होगी दाढ़ नहीं निकली इसकी तो दाढ़ी निकल आई है। इस उद्दंड बालक को दंड दीजिए वरना मैं चला जाऊंगा यहाँ से। नहीं गुरु आप त्याग पत्र मत दीजिए। राजकुमार अमरजीत चलिए कान पकड़िए। हाँ हाँ कान पकड़िए। ये क्या किया राजकुमार? गुरुजी इन्होंने बोला कान पकड़ लो तो मैंने पकड़ लिया। अरे इन्होंने इनके कान नहीं तेरे अपने कान पकड़ने के लिए बोला था। अपने कान पकड़। अरे इससे ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। अरे सेन कौन से कान पकड़ने थे? हाँ चले हो गया सेन। किंतु प्रभु कान पकड़ने से काम नहीं चलेगा, इसे ना मुर्गा बनाइए प्रभु। हाँ मुर्गा मुर्गा बनाओ इसे, मुर्गा बनाओ इसे। राजकुमार मुर्गा मुर्गा बनो, बन जाओ। नहीं गुरुजी मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। प्रभु नहीं बनोगे? राजकुमार वो देखिए दो मुद्राएं नीचे गिर गई। कहाँ? वो कान में तुम्हारे। अरे कहाँ है भाई? मुझे मुर्गा बनाया मुझे। अब देखना मैं उस नए गुरु और उसके चेले का क्या हाल करने वाला हूँ, बस देखते जाओ। देखो नारद बातों नहीं आए।